तो जो लास्ट टाइम रिमेम्बर फॉर थीटा था, मैं वापस उसको एक बार लिख रहा हूं, रिमेम्बर फॉर थीटा। थीटा के लिए तीन बातें मैंने बोला था याद करने के लिए, थीटा के लिए एक बात मैंने बोला था कि आपका लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा, लीस्ट पॉजिटिव एंगल। दूसरा जनरल सॉल्यूशन। तीसरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अरे बात समझ में, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यही टोटल हमने तीन बातें बोला था। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए थीटा को मैंने बोला था माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में किसी एक जगह इक्वलिटी लगा लेंगे, इक्वलिटी लगा लेंगे। और इसको मैंने बोला था कि सबसे नियरेस्ट एंगल को ढूंढ लेगा ये, जैसे इसमें होगा तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, अगर यहाँ पे जेड होगा, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड होगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अगर यहाँ होगा तो ये वाला आपका हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला हो जाएगा आपका माइनस पाई प्लस बीटा, अगर यहाँ पे जेड है तो, और यहाँ पे कोई जेड है तो ये वाला अगर गामा है तो आपका आर्गुमेंट हो जाएगा सीधे सीधे माइनस गामा। अरे बात समझ में, ये चार बातें अपने पास थी, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात थी। जनरल सॉल्यूशन के लिए मैंने बोला था कि थीटा इक्वल टू आप ले लेंगे टैन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स, और इसका हो जाएगा, मैं अच्छा इसमें आपका पहले यहां पे देखते हैं लिस्ट पॉजिटिव एंगल, जैसे लिस्ट पॉजिटिव एंगल थीटा की वैल्यू विथ क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंगल फ्रॉम रियल एक्सिस से एंगल लेना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कि आपका जेड यहां पे है तो इसके लिए ये आपका हो जाएगा आर्गुमेंट, ये जो पूरा थीटा होगा ना, ये पूरा का पूरा यहां तक, अगर ये वाला एंगल अल्फा होगा तो थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा, ये आपका पूरा का पूरा लिस्ट पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और ये वाला एंगल अल्फा निकाल लेंगे टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स, बात समझ में आ रही है ना। या अगर मैं कहूं कि ये एंगल थीटा अगर है, नहीं थीटा के लिए बातचीत चले ना, हाँ ठीक है, तो ये अल्फा ले लेता हूं। मैंने यहां पे लिखा भी होगा आपको स्टार्टिंग में ही कि एक अल्फा इक्वल टू मैंने मान लिया क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स, जहां पे जेड इज इक्वल टू है आपका एक्स प्लस आई वाई, और मॉड इसलिए ताकि ये आपका हमेशा छोटा वाला, ये वाला पार्ट हमेशा देता रहे। और ये थीटा आ गया तो जनरल सॉल्यूशन इसका हो जाएगा टेन इनवर्स, ये अल्फा है तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका टू एन पाई प्लस जो भी ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा टू एन पाई प्लस ये वाला थीटा। अरे बात समझ, लिस्ट पॉजिटिव एंगल वाला थीटा ले लेंगे तो वही आपका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है। और ये अल्फा मतलब ये वाला अल्फा है। अब मान लो कि अगर यहां पे अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई है तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, और लिस्ट पॉजिटिव एंगल ये पूरा यहां से घूम के यहां वाला हो जाएगा क्या, मतलब टू पाई माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा क्या, थीटा की वैल्यू हो जाएगी टू पाई माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, जीएस क्या हो जाएगा आपका टू एन पाई प्लस टू पाई माइनस अल्फा। बात पकड़ में आ रही है। अब जैसे सवाल पे आते हैं, शुरू करते हैं सवालों पे। जैसे मैंने लिखा कि जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई, फाइंड लिस्ट पॉजिटिव एंगल, लिस्ट पॉजिटिव एंगल, आर्गुमेंट एंड जनरल सॉल्यूशन। अगला सवाल अगर मैं लिखूं जेड इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री प्लस आई, माइनस रूट थ्री माइनस आई, फाइंड लिस्ट पॉजिटिव एंगल, लिस्ट पॉजिटिव एंगल एंड जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये तीनों आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा। तो पहले वाले का आंसर, पहले वाले के लिए आंसर क्या हो गया, 120 डिग्री, ठीक है, निकालते हैं आर्गुमेंट 60 डिग्री, देखो हाँ निकाल लो ना फटाफट, लिख लो ना।
यहां हो गया, देखो पहला वाला का आंसर आ गया कि भाई जेड इज इक्वल टू, अच्छा ये किस क्वाड्रेंट में है जेड की वैल्यू जो है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां कहीं आपका माइनस वन का मा रूट थ्री है क्या, ये वाला एंगल जो ये वाला एंगल अल्फा होगा, ये एंगल आपका टेन अल्फा बराबर हो जाएगा, ये वाला वैल्यू है रूट थ्री और ये वाली वैल्यू कितनी है वन, तो ये हो जाएगा आपका रूट थ्री बाई वन का मतलब ये 60 डिग्री आ गया, मतलब टेन पाई बाई सिक्स हो गया, टेन पाई बाई थ्री हो गया, यानी अल्फा की वैल्यू हो गई पाई बाई थ्री, तो आपका लिस्ट पॉजिटिव एंगल ये वाला हो जाएगा, यानी पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू, यानी पहले वाले का आंसर लिस्ट पॉजिटिव एंगल, लिस्ट पॉजिटिव एंगल का मतलब पाई माइनस अल्फा का मतलब पाई माइनस पाई बाई थ्री, और ये हो गया आपका आंसर टू पाई बाई थ्री 120 डिग्री, जिसको कि आप लोग बता रहे हो। दूसरा जनरल सॉल्यूशन इसका हो जाएगा 2n पाई प्लस 2 पाई बाई थ्री। फिर तीसरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी इस बार यही हो जाएगा क्या, बोलो बच्चों प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस बार हो जाएगा यही चीज, और ये हो जाएगा आपका पाई माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाई थ्री। बात समझ में आई, जरा आया क्या ऐसी चीज समझ में। सेकंड सवाल पे बात कर लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिखे ना इसका, सेकंड वाला आपका देखो, सेकंड वाला अपने पास क्लियरली लिखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा है माइनस रूट थ्री माइनस आई थर्ड में, हाँ तो ये माइनस रूट थ्री माइनस आई मतलब माइनस रूट थ्री का माइनस वन, और ये वाली लंबाई जो है ये वाली लंबाई रूट थ्री है, ये लंबाई वन है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, क्या अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इसी को मैं बोलूंगा मॉड वन अपॉन रूट थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये पाई बाई सिक्स के बराबर हो गया क्या, 30 डिग्री के बराबर हो गया, तो बोलो लिस्ट पॉजिटिव एंगल क्या हो जाएगा 60 30, रूट थ्री बाई वन होगा, रूट थ्री माइनस आई है, रूट थ्री माइनस आई है, रूट थ्री माइनस आई है, ठीक है, तो लिस्ट पॉजिटिव एंगल क्या हो जाएगा ना 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 ना, लिस्ट पॉजिटिव एंगल यहां से पूरा यहां तक लेगा लेगा ना, तो ये पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा मतलब y बाई एक्स होता है, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, उधर देखिए, हाँ उधर देखो ना, सेकंड वाले सवाल को, सेकंड वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये पाई प्लस पाई बाई थ्री, ये हो गया फोर पाई बाई थ्री। अच्छा जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा तब, डायरेक्ट टू एन पाई प्लस फोर पाई बाई, समझ में आया ना जनरल सोल्यूशन। अच्छा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई बाई सिक्स था, हाँ सॉरी 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 पाई बाई सिक्स, तो ये हो जाएगा सेवन पाई बाई सिक्स, ये आपका हो जाएगा सेवन पाई बाई सिक्स, ये हो जाएगा आपका सेवन पाई बाई सिक्स, कहाँ पे सही तो है एक्स कोऑर्डिनेट, अच्छा ये वाला, हाँ हाँ यहाँ पे ये रूट थ्री है, अच्छा 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 ये वाली बात है, हाँ अच्छा प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना हो जाएगा इसका, इधर से ले लेंगे ये वाला, नहीं माइनस पाई प्लस पाई बाई सिक्स मतलब माइनस फाइव पाई बाई सिक्स, अरे बात समझे माइनस फाइव पाई बाई सिक्स, ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा, ठीक है अगले सवाल पे आएंगे। सॉल्व मॉड जेड प्लस थ्री माइनस आई इज इक्वल टू फोर एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई फोर, ठीक है ना। अगला सवाल सॉल्व इफ मॉड जेड माइनस आई इज इक्वल टू वन एंड आर्गुमेंट ऑफ, ये आपको सीरियसली अच्छे सवाल की तरफ लेके स्टार्ट हो गए हैं, तो ये देन सॉल्व, और जब सॉल्व कहता है किसी सवाल में इसका मतलब कि जेड की वैल्यू कह रहा है, अगर कोई इक्वेशन देके बोले कि सॉल्व करो उस इक्वेशन को मतलब एक्स की वैल्यू मांग रहा है, तो यहां पे भी आपको जेड की वैल्यू मांग रहा है और यहां भी आपको जेड की वैल्यू मांग रहा है, ठीक है जरा एक बार सोचिए, जरा ट्राई करिए क्या निकल के आ रहा है। आर्गुमेंट का मतलब हो गया यही, इसका जेड जहां भी जेड होगा वो जेड आपका एंगल बना रहा होगा ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन से, नहीं वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वन बताना चाह रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक। देखो अपने को जेड निकालना है, देखो ऐसे सवाल को
एक तो ज्योमेट्री से कर सकते हैं, अभी बिना ज्योमेट्री से हम कर रहे हैं। ज्योमेट्री से कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी जैसे कि हमने ये नहीं बताया है कि एक सर्कल का इक्वेशन है, मतलब अभी ये नहीं बताया कि एक सर्कल का इक्वेशन है उसका रेडियस इतना, सेंटर ये, तो अभी बिना ज्योमेट्री का हम चल रहे हैं लेके, ठीक है। अगर एक बार इसको जान जाएंगे कि एक सर्कल का है, बाकी ज्योमेट्री इसकी जान जाएंगे, तो इसको ज्योमेट्री से फटाफट हम दिखा देंगे कहां पे इसकी वैल्यू कैसे क्या लिख रहा है ये। पहले अभी हम इन दोनों की ज्योमेट्री नहीं जानते, इसकी भी नहीं जानते, इसकी भी नहीं जानते, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, और इसका मतलब ये, अगर इसकी ज्योमेट्री हम जानते, इसकी ज्योमेट्री जानते, तो इसकी ज्योमेट्री सॉल्व कर देते, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते, वही अपना आंसर हो जाता। लेकिन फिलहाल में अभी उसके बिना हम बात कर रहे हैं, हमने जेड को क्या ले लिया थोड़ी देर के लिए, एक्स प्लस आई वाई, ये हो गया आपका एक्स प्लस आई वाई प्लस थ्री माइनस आई का इक्वल टू फोर, यानी ये मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस थ्री एक लिख सकता हूँ प्लस आई इंटू वाई माइनस वन मॉड का स्क्वायर इक्वल टू फोर का स्क्वायर, मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करते ही क्या ये अंडर रूट से हट गया, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, सोचो यार मॉड की वैल्यू, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर का स्क्वायर, मतलब सोलह आ गया क्या यहाँ पे, ये एक सर्कल का इक्वेशन है क्या, अरे सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं है। अच्छा दूसरा वाला जो आपका ये लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई फोर, इसका मतलब टेन इनवर्स वाई बाई एक्स बराबर कितना, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, तो वाई बाई एक्स बराबर टेन पाई बाई फोर, और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन, तो वाई बराबर क्या हो गया, वाई बराबर एक्स इसमें उठा के रख दें, जैसे ही वाई बराबर एक्स इसमें रख देंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा x प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस x के जगह पे रखा x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। अच्छा टू एक्स स्क्वायर, रुक जाओ ठीक है ना, बताते हैं x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर कितना, टू एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर कितना, प्लस सिक्स एक्स और माइनस टू एक्स, टू एक्स कितना हो गया फोर एक्स। अच्छा नौ और एक, अरे नौ और एक दस, दस में से सोलह निकलेगा माइनस छ। अच्छा ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर कितना आया, या तो दो या तो एक्स बराबर एक, यानी वाई बराबर या तो टू या तो वाई बराबर एक, तो कॉम्प्लेक्स आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ना इसका टू कामा टू या वन कामा वन, या जेड बराबर टू प्लस टू आई या जेड बराबर आई वन प्लस आई। आप तो सेकेंड वाला निकाल लोगे, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ठीक है ना, अब सेकेंड वाला जरा निकाल के बताओ कितना आ रहा है, जरा बताओ हम भी कर लेते हैं सेकेंड वाला, हम भी इधर बगल में कर रहे, पहले आप निकाल लो। तो आपका है ये जेड माइनस आई इक्वल टू वन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस आई वाई माइनस आई इज इक्वल टू मॉड इक्वल टू वन, मतलब एक्स प्लस आई वाई माइनस वन का इज इक्वल टू वन होल स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, एक ये सर्कल आ गया। दूसरा आपका लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू, इसका मतलब टेन इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू, तुम लोग एक तो यहाँ पे गलती ये कर देते हो ना कि वापस सही से इसको सॉल्व नहीं करते हो, ये tan पाई बाई टू, tan पाई बाई टू का मतलब कितना हुआ, इन्फिनिटी हो गया ना, इन्फिनिटी का मतलब मैंने क्या लिखता हूँ वन बाई जीरो लिखता हूँ क्या ऐसा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा y इंटू जीरो इक्वल टू x इंटू वन, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई। अगर ऐसे नहीं कर सकते, अगर ये भूल गए कि नहीं भाई ये इन्फिनिटी आ रहा है मतलब नीचे वाला जीरो होना चाहिए, तो कम से कम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो आ गया, अगर एक्स जीरो आ गया तो वाई की वैल्यू वाई माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन हो गया, यानी वाई माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस वन हो गया, ठीक है, यानी वाई माइनस वन इक्वल टू प्लस वन और वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, यानी वाई इज इक्वल टू आपका हो गया टू और एक y इक्वल टू हो गया जीरो, मतलब पॉइंट हो गया एक जीरो कामा टू और एक पॉइंट हो गया आपका जीरो कामा जीरो, यानी यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हो गया, एक जीरो कामा टू एक जीरो कामा जीरो, यही आया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, किसकी प्रॉपर्टीज, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम इसका प्रॉपर्टीज ना लॉग की तरफ फॉलो करती है, जैसे पहली इसकी प्रॉपर्टीज अगर लिखूं, पहली अगर मैं बात लिखूं कि अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू मान लेते थोड़ी देर के लिए थीटा है, क्या है थीटा है, अब पहले इसके मैं बात लिखो, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड,
अरे बस बस माइनस, मतलब ये बार का होने की वजह से माइनस बाहर निकल गया। दूसरा आप सोच भी सकते हो, अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, सोचो यहाँ जेड है, जेड बार नीचे हो जाएगा, ये थीटा है तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। अरे बात समझ में, ये हो गया आपका। दूसरा आर्गुमेंट अब बिल्कुल आपका चलता है लॉग की प्रॉपर्टी की तरह, जेड वन इंटू जेड टू। आप याद करो कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाइड होता है तो लॉग में क्या हो जाता है, खुल जाता है, प्लस हो जाता है। हाँ, तो यहां भी एक्सप्लेन हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, मतलब ये इट वर्क्स लाइक लॉग, लगभग लगभग मतलब हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लॉग की तरह काम करता है। तीसरा, अगर आपसे कहा जाए आर्गुमेंट ऑफ जेड वन बाई जेड टू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। मान लो किसी ने चौथे नंबर पे आपसे ये कह दिया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू बार क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू बार कर देंगे, और ये अगेन पहली प्रॉपर्टी से माइनस बार आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा फाइनली, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। बोलो बात समझ में आ रहा है। अच्छा एक और बात है, चौथे के बाद पांचवें नंबर पे एक ओमेगा होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको हम लोग याद रखते हैं, हमेशा याद रखेंगे, माइनस वन बाई टू प्लस आई रूट थ्री बाई टू। सर बताओ इसकी वैल्यू जरा, हाँ ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन बाई टू माइनस, अभी जब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे ना तो उस समय इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको याद रखेंगे हमेशा, जीरो होता है, ठीक है ना। अब जरा देखो यहां से, जरा इसका बताओ आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, जरा देखेंगे तो हो जाएगा, हाँ बिल्कुल रूट, पहले बात है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस हो जाएगा, और इसका रूट थ्री बाय टू अपॉन वन बाय टू, रूट थ्री बाय राहुल, रूट थ्री बाय टू अपॉन वन बाय टू रूट थ्री, पाई बाय थ्री हो जाएगा, मतलब पाई माइनस पाई बाय थ्री कितना हो गया, टू पाई बाय थ्री। अब जरा देखो छठे नंबर पे एक्चुअल में, इसलिए मैं लिखा रहा हूं क्योंकि अगर आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा जेड आया है ना तो वो कहना चाहता है कि आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, और इसका मतलब हुआ आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, टू पाई बाई थ्री प्लस ये आर्गुमेंट ऑफ यहाँ पे जेड। अच्छा सातवें नंबर पे अगर आपका आर्गुमेंट ऑफ कोई रियल पार्ट हो, आर्गुमेंट ऑफ मान लो कि रियल नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर अगर कहेगा तो उसकी आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में अगर कोई कहा तो उसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, जीरो जीरो सिर्फ जीरो। अगर आपसे कोई कहा कि आर्गुमेंट ऑफ थ्री, हाँ आर्गुमेंट ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर कोई कहा आपसे आठवें नंबर पे आर्गुमेंट ऑफ माइनस रियल नंबर, तो उस केस में क्या होगा आर्गुमेंट इसका, माइनस पाई या प्लस पाई। अरे बात समझ में, या तो माइनस पाई या तो प्लस पाई। अच्छा सातवें आठवें नाइन्थ नंबर पे आर्गुमेंट ऑफ प्लस प्योरली इमेजिनरी नंबर, अगर यानी रियल ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट ऊपर में है तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, पाई बाई टू, पाई बाई टू आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, अरे यहां पे एंगल कितना लेगा, पाई बाई टू। तो ये सवाल का देने का दूसरा तरीका होता है कि वो दे देता है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू, यानी इसको जो रिवर्स प्रोसेस में अभी लिखते हैं, दसवें नंबर के बाद से लिखता हूं मैं इस चीज को, आर्गुमेंट ऑफ निगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर थ्री पाई बाय टू तो नहीं होगा बेटा, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होता है तो थ्री पाई बाय टू नहीं होगा, माइनस पाई बाय टू होगा। अच्छा अभी 11 नंबर पे अगर सवाल में दिया है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाय टू या माइनस पाई बाय टू, इसका मतलब जेड इज अ क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अरे बात समझ में, ये उसका अलग तरीका होता है उस सवाल को देने का कि प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल नंबर। बात सबके समझ में आ रही है, चलो नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद 12 नंबर पे आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर एन हो जाता है एन इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्या लॉग में प्रॉपर्टी होती है क्या, अरे बात समझ में ना, वो
वापस आ जाता है। 13 नंबर पे आर्गुमेंट ऑफ, ये सिर्फ अपने को बाकी अपने थॉट पे ज्यादातर डिपेंड करता है, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू हो जाता है पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड या माइनस पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। थोड़ा सा इसको एक बार हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे माइनस लगेगा या प्लस लगेगा। अगर यहाँ पे इफ, अगर ये बात लिखा जाए इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड निगेटिव हो या इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका पॉजिटिव हो। अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर आपका पॉजिटिव होगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जेड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका माइनस जेड मतलब उसका मिरर इमेज थर्ड में आएगा। देखो यहाँ पे जरा इसका देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे माइनस आने का मुझे चांस लग रहा है। यहाँ पे अगर फर्स्ट में है तो आर्गुमेंट इसका पॉजिटिव आ जाएगा और इसका माइनस जेड कहीं यहाँ आ जाएगा तो ये तो हमारा हो जाएगा माइनस पाई प्लस जो ये वाला अल्फा है वही वाला अल्फा है आर्गुमेंट ऑफ जेड के बराबर। अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड निगेटिव है मतलब उस केस में जेड कहीं यहाँ है तभी तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड निगेटिव है और इसका हो जाएगा यहाँ पे कहीं और ये आपका, अच्छा इसीलिए वो किया गया है कि यहाँ पे ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया और ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा पाई माइनस और ये माइनस अल्फा, पाई माइनस माइनस अल्फा, अरे ये वाला माइनस था ना ये, तो ये वाला भी तो माइनस अल्फा ही हम कहेंगे। एंगल वैसे तो रहेगा प्लस में पर ऐसे हम कहेंगे कि भाई ये माइनस 30 डिग्री हमने लिए था तो हम लेंगे अभी भी माइनस 30 डिग्री, तो माइनस पाई और ये प्लस अल्फा, तो जब यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है इसीलिए माइनस पाई प्लस अल्फा लगाया हुआ है कि अल्फा की वैल्यू माइनस 30 रहेगी तो पाई माइनस 30 अपने आप हो गया। नहीं समझ में आई बात, क्योंकि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे अगर ये अल्फा माइनस 30 है तो ये देखो प्लस लगाए तभी ये पाई माइनस 30 आ गया जो कि ये वाला इतना वाला एंगल हो गया। बात समझ में आ रहा है, मतलब सही लिखा है पाई प्लस, इसकी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी और यूज करेंगे। मतलब अगर जेड की वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ जेड निगेटिव है तो क्या होगा पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड और आर्गुमेंट ऑफ जेड पॉजिटिव है तो माइनस पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। अच्छा दो और लिख देते हैं, अब तो बस ऐसी खींच रहे हैं प्रॉपर्टी है नहीं। अब आर्गुमेंट ऑफ मॉड जेड क्या हो जाएगा और 15 नंबर, बस चूंकि 15 पूरा करना है इसलिए मैं लिख रहा हूं आर्गुमेंट ऑफ आई जेड क्या हो जाएगा, ठीक है ना बोलो आर्गुमेंट ऑफ मॉड जेड क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो कितना रहेगा, अरे हमेशा जीरो हो जाएगा। अच्छा मॉड रहेगा, मॉड हो गया तो रियल नंबर हो गया, रियल नंबर आ गया ना तो उसका हो गया जीरो। अच्छा ये क्या हो गया, एक आई प्योरली इमेजिनरी हो गया तो या तो प्लस पाई बाई टू या फिर माइनस पाई बाई टू, बोलो बात समझ में आ रही है, या तो प्लस पाई बाई टू या तो माइनस पाई बाई टू। वैसे ये जीरो, ये तो सिर्फ आपका जीरो रहेगा, ठीक है। अब सवाल करते हैं, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू वन वन प्लस आई की पावर थ्री इंटू माइनस माइनस वन माइनस माइनस वन प्लस आई इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना आई साइन जी, चलो ठीक है बस रहने दिए, इसका आर्गुमेंट निकालो एंड एंड मॉडुलस, एंड मॉडुलस कहाँ पे है, मॉडुलस भी निकालो आर्गुमेंट एंड मॉडुलस, फाइंड आर्गुमेंट एंड मॉडुलस ऑफ इसी का जेड का आर्गुमेंट मॉडुलस, अरे ये किससे इसे मॉडुलस इसी जेड का यार, तो हमें क्या कह रहा है कि फाइंड आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट निकालना एंड मॉडुलस, और मॉडुलस बताना है, आर्गुमेंट बताना है, नहीं नहीं हमने कहा लिखा है आर्गुमेंट ऑफ मॉडुलस, कहा लिखा है मैंने, ठीक है दम नहीं है बिल्कुल, निकालो जरा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर हो जाएगा ये आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस आई की पावर थ्री प्लस आर्गुमेंट ऑफ माइनस वन प्लस आई प्लस आर्गुमेंट ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अच्छा सिंपल सी बात है, ये तीन बाहर हो जाएगा आर्गुमेंट, अब जो तीन बाहर जहां करना चाहिए तुम वहां बाहर करे ही नहीं, फिर यहाँ पे प्लस आर्गुमेंट ऑफ माइनस वन प्लस आई प्लस आर्गुमेंट ऑफ, इसका आर्गुमेंट सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ थीटा, ठीक है ना। अच्छा ये इसका आर्गुमेंट तो पाई बाई फोर है,
अच्छा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस पाई बाई फोर, ये हो गया आपका प्लस पाई माइनस पाई बाई फोर प्लस थीटा। अच्छा ये हो गया पाई प्लस, ये बताओ थ्री पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर, टू पाई बाई फोर प्लस थीटा, और ये हो गया पाई प्लस पाई बाई टू प्लस थीटा, यानी क्या हो गया आपका थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा। सही है ना? बिल्कुल सही है। अब मॉडुलस लेंगे, देख लेते हैं मॉडुलस कितना होगा। मॉडुलस लेंगे अगर इसका हम cos थीटा का साइन एंगल तो 1 ही हो जाएगा, वो रूट 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। क्या करेंगे, मॉड z का मतलब हो गया मॉड में 1 प्लस आई का क्यूब माइनस 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई, फिर आपका इंटो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और मॉड की प्रॉपर्टी याद करो अलग अलग हो जाता है क्या, तो ये हो जाएगा आपका मॉड 1 प्लस आई का क्यूब प्लस माइनस 1 प्लस आई प्लस मॉड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, प्लस नहीं प्लस नहीं प्लस नहीं, हाँ इनटू है ये। अच्छा यहाँ पे हो गया, ये तो बाहर निकल जाएगा मॉड के, मॉड के बाहर 1 प्लस आई का क्यूब, और ये हो जाएगा इनटू रूट 2 हो जाएगा क्या ये, और ये हो जाएगा रूट में, अरे 1 हो जाएगा ना ये, और ये रूट 2 का क्यूब इनटू रूट 2 इनटू 1, आंसर क्या हो गया 2 का स्क्वायर मतलब 4। आई बात समझ में? अगला सवाल नेक्स्ट, अच्छा चार तुम बोल रहे थे, अब जवाब दो फटाफट, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, आर्गुमेंट के जवाब दे दो सर, आर्गुमेंट ऑफ मॉड 1 प्लस आई अपॉन आएगा। बुद्धि ठिकाने नहीं है क्या? सर रियल नंबर है ना, माइनस पाई जीरो आएगा, जीरो रियल नंबर है ना। अभी मैं मॉडुलस का लिख के गया, मॉड आई देख रहे हैं उसको, ठीक है। अब क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ अगर इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इक्वल टू थीटा वन, आर्गुमेंट ऑफ जेड टू इज इक्वल टू थीटा टू, आर्गुमेंट ऑफ जेड थ्री इज इक्वल टू थीटा थ्री, देन आपको बताना है आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू स्क्वायर अपॉन जेड थ्री का बार का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा। तो देख सेकेंड का काम है, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ, आंसर लिख देता हूं, इसमें तो कोई ऐसे सवाल में है नहीं दम, जरा देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू स्क्वायर, हाँ बोलो बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ बिल्कुल जेड वन इंटू आर्गुमेंट प्लस हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड टू का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड थ्री का बार और यहाँ पे स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका थीटा वन प्लस ये टू बार आ जाएगा टू थीटा टू माइनस ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा बार प्लस हो जाएगा थीटा थ्री। आ रही बात समझ में? बिल्कुल, ये सिंपल सिंपल सवाल है। अब एक बड़ा ही काम के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि आर्गुमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही काम का है। आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस ए प्लस आई बी इज इक्वल टू थीटा का मतलब क्या हुआ, का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, चिंता की बात नहीं है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूं। पहले तो ये हम जाने, पहली बात कि आर्गुमेंट आप अगर मान लो कि जेड इज इक्वल टू थीटा लिखा हुआ है, पाई बाई फोर लिखा हुआ है या पाई बाई थ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपका जो भी जेड है वो जेड एक्स ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो लाइन कितना का एंगल बना रही होगी, हमेशा पाई बाई फोर, या तो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग लिख सकते हैं या लोकस लिख सकते हैं, ठीक है ना, लोकस ऑफ जेड, दोनों ही बात यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पाई बाई फोर हमें लिखा हुआ है, पाई बाई फोर यहाँ पे, ठीक है ना, कि ये अगर पाई बाई फोर है तो ये हमेशा जो भी यहां कहीं भी जेड हुआ, यहां कहीं भी जेड हुआ, जो भी ये जेड होगा वो जेड इसी लाइन के थ्रू अपना जाना पड़ेगा इसको, जो हर बार कितने का एंगल मेंटेन कर रखे हो,
अच्छा ये लाइन कहां से निकलना पड़ेगा इस लाइन को? वो क्या ओरिजिन से पीछे जा सकती है क्या? अगर पीछे मान लो कि यहां जेड हो गई तो उस केस में इसका आर्गुमेंट ये वाला माइनस पाई प्लस पाई बाई फोर नहीं जा सकता ना, क्या सिर्फ आगे जा सकता है क्या? और किसी एक जगह से निकल के कोई चीज जाती है तो उसको रे बोलते हैं। रे का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से निकल के वन यूनिडायरेक्शनल होती है, जानते ना, रे जो है यूनिडायरेक्शनल होती है। तो किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से निकल के जा रही है मतलब ये एक रे है। कितने का एंगल बना रही है? पाई बाई फोर। कहां से बना रही है? रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस से। आ रही बात समझ में? मतलब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हुआ कि लोकस ऑफ जेड का मतलब जेड कौन सा पाथ लेगा, तो लोकस ऑफ जेड इज अ रे, एक रे है। कहां से निकलते हुए? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से निकलते हुए एंड मेकिंग एंगल पाई बाई फोर फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। बोलो बात समझ में आया ज्योमेट्रिकल मीनिंग? अब अगर यही चीज जो यहां पे लिखा है अगर यही चीज ऐसे लिखा होता दूसरे नंबर पे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो इसका क्या मतलब होता कि लोकस ऑफ जेड मतलब जो जेड होगा वो क्या होगा, तो लोकस ऑफ जेड हो जाएगा इज अ रे, एक रे होगी। कहां से निकलेगी इस बार? नहीं, कहां से निकलेगी? हाँ, जेड वन से निकलेगी एंड कितना एंगल बनाएगी? एंड मेकिंग एंगल किंग एंगल कहां से बनाएगी? पाई बाई फोर फ्रॉम, नहीं रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल। हाँ, ये बताता है कहां से निकली है और ये बताता है कितने का एंगल। जैसे मान लो ये है, ये है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, यहां कहीं आपका जेड वन है तो ये निकलेगी इधर साइड में जाएगी जेड, इधर साइड में जेड होगा और ये एक्स एक्सिस से यहां से बना रहा होगा पाई बाई फोर का एंगल। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो अपने पास हमने लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस ए प्लस आई बी, इसका मतलब इक्वल टू थीटा, इसका मतलब लोकस ऑफ जेड क्या हो जाएगा? लोकस ऑफ जेड इज अ रे। और कहां से निकलेगी ये रे? रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, बिल्कुल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए कामा बी, ए कामा बी एंड कितने का एंगल बनाएगी? एंड मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। इसका काम, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग लोकस पूछेगा तो आप लोग क्या लिखेंगे? लाइन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक रे है। सवाल पूछे थे ना आपसे? हाँ बिल्कुल। अब इसका इक्वेशन लिखना होगा चूंकि एक लाइन का इक्वेशन है तो, अरे इसका अगर इक्वेशन लिखने के लिए कहेगा तो हम तो लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। वैसी लाइन जो यहां से निकलती है हमेशा इससे एंगल कितना बनाती है? पाई बाई फोर। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाएंगे। वाई इक्वल टू क्या लगाएंगे? अगर मान लो कि अपने से सवाल ऐसे होता, इधर इधर वाला, इधर वाला अच्छा ठीक है, नोट करो ये सेकंड पॉइंट, नोट करो ना फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना? इसको देखो, अगर सवाल बस इतना बता लेता हूं, यहां पे देखो, अगर मान लो सवाल ऐसे आ गया, देख लो फिर दे रहा हूं नोट करने का टाइम, कि मान लो ऐसे आ गया आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू प्लस आई इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, तो हम क्या जानते हैं कि जेड जो निकलेगी वो कहां से निकलेगी? ना ये इसको लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू माइनस वन, है बात समझ में? अब ये इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। अब कहां से निकलेगी ये रे? टू कामा माइनस वन, क्या टू कामा माइनस वन यहां कहीं होगा? टू कामा माइनस वन, क्या ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? पाई बाई थ्री, ये वाला एंगल पाई बाई थ्री हो जाएगा। बोलो स्लोप कितना? अब इस ये वाला लाइन का स्लोप कितना हो गया? स्लोप कितना हो गया? पाई बाई थ्री रहेगा। स्लोप का मतलब टेन पाई बाई थ्री,
टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू कितना हो गई, रूट थ्री और रूट थ्री हो गया। और अच्छा बताओ तो अब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया इसका, वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, आई बात समझ में। तो ये बताओ रूट थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू रूट थ्री प्लस वन, बोलो बात समझ में आया। लेकिन एक चीज में नहीं, आर्गेन के लिए डिफाइंड है, आर्गेन के लिए। लेकिन हम कहेंगे कि ये एक रे है, अभी भी जो कहेंगे इसको लाइन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ये एक रे का इक्वेशन, क्योंकि बस ये एक साइड जा रही है, दोनों साइड नहीं जा रही है। लाइन होती तो नीचे भी जाती लेकिन नीचे नहीं जा रहा है। तो सवाल में ऐसे लिखेगा कि रे और इसका इक्वेशन देगा, हमको पता होना चाहिए ना कैसे इक्वेशन निकालेंगे, यही इसका मतलब है एक्चुअल में। पोलर फॉर्म और सिस फॉर्म, सिस ट्रांस होता है, अच्छा वही याद आया, सिस मतलब सेम साइड और ट्रांस मतलब एक तरफ का रोटेट कर दिया, बिल्कुल एक तरफ का रोटेट कर दिया तो ट्रांस हो जाएगा। तो नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें है देखो जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जो कि एक्स प्लस आई वाई है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जो कि एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका अगर हम इसका मॉड जेड लिखे तो मॉड जेड हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका आर्गुमेंट लिखे, अगर हमने इसका आर्गुमेंट लिखा आर्गुमेंट ऑफ जेड जो कि अगर हम इसको थीटा से लिखे तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स कितना मॉड वाई बाई एक्स, नहीं ये तो सिर्फ आपका थीटा होगा, एक्चुअल में प्रिंसिपल आर्गुमेंट कुछ और होगा, ठीक है ना। तो अभी मैं सिर्फ इसका मैं आर्गुमेंट इसको नहीं लिख रहा हूं, बस थीटा निकाल रहा हूं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड है। इसका मतलब ये होगा कि अगर देखो ध्यान से पोलर फॉर्म में क्या मतलब होता है, आप कोऑर्डिनेट में पोलर फॉर्म पड़े हुए हो, आर कॉस थीटा प्लस एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, याद करो ये है ना पोलर फॉर्म। यहाँ भी यही है, जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट आपका जेड है जो कि एक्स कामा वाई है, क्या मैंने बोल रखा है क्या कॉम्प्लेक्स को किस से डिनोट करेंगे आप, एक्स कामा वाई से। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली डिस्टेंस आपकी वाई हो गई और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई एक्स, ये वाला यही वाला आपकी लंबाई क्या हो जाएगी मॉड जेड, सही है, और ये वाली जो एंगल हो जाएगा यही एंगल थीटा हो जाएगा आर्गुमेंट। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, क्या मॉड जेड कॉस थीटा हो गया क्या ये, और वाई की वैल्यू क्या हो गया मॉड जेड साइन थीटा, बोलो हो गया क्या ऐसा। यानी अब हम जेड को क्या लिख सकते हैं जरा देखो, तो क्या ये एक्स प्लस आई वाई के जगह पे, एक्स प्लस आई वाई के जगह पे जेड इज इक्वल टू क्या यहाँ पे मॉड जेड कॉस थीटा आ गया क्या, प्लस ये आई मॉड जेड साइन थीटा आ गया क्या, पूरे में से कॉमन क्या हो गया मॉड जेड कॉमन हो गया, क्या बच गया यहाँ अंदर में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बोलो बात समझ में आ रही है। ये हो गया आपका पोलर फॉर्म, यही जो हो गया इसी को कहा जाता है कि यही हो गया आपका पोलर फॉर्म। ये ध्यान रहे कि पोलर फॉर्म में यहाँ पे मॉड जेड आता है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मैक्सिमम टाइम हम लिखते हैं कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा एक और चीज लिख लेते हैं इसी को, और दूसरा जो लिखते हैं जेड इज इक्वल टू मॉड जेड सिस थीटा, इसको लिखते हैं सिस थीटा, सिस बता रहे हैं, सी स्टैंड फॉर कॉस, आई स्टैंड फॉर आई, एस स्टैंड फॉर साइन, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा शॉर्ट में है, बस यही लॉजिक है। सिस थीटा मतलब क्या हो गया, सी सी से सी स्टैंड फॉर कॉस, आई स्टैंड फॉर प्लस आई, अगर यहां पे ये लिखा है मतलब प्लस आई है, प्लस आई और एस फॉर साइन थीटा सिस थीटा। अब एक्चुअल में क्या है, नहीं माइनस को नहीं लिखेंगे, माइनस को लिखना होगा तो लिखेंगे, बता लिख दे रहे हैं, अगर ये लिखा है जेड कई बार इसको लिखा जाएगा सिस और सिस, यहां पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ थीटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, बोलो बात समझ में आया, कि जो थीटा है वो क्या है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, मतलब जो यहां पे थीटा है वो है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अरे बात समझ में, अगर मान लो किसी का मर्जी हुआ कि सर आप इसका जरा लिख दो कि जेड इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा सिस थीटा में लिखो ना, तो लिखेंगे ना इसको भी कैसे लिखेंगे, मॉड जेड कॉस माइनस थीटा
प्लस आई साइन माइनस थीटा, बोलो लिख सकते हैं ऐसा? yes. और ये क्या लिख दिया हमने कि मॉड जेड सिस माइनस थीटा, बस नेगेटिव प्रिंसिपल हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? एक्चुअली आपका यानी ये आपको मिल गया कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और मैक्सिमम टाइम ये बहुत मदद करता है, ये लिखने में जेड को लिखने में, हाँ बहुत मदद करता है एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म एडवांस के। एक समय तो लगातार 3 साल सवाल पूछा है सिर्फ इसी पे, 3 साल लगातार एडवांस में एक एक सवाल पूछा है सिर्फ ये सिस थीटा मतलब ये कॉस थीटा आई साइन थीटा पे, रिटेन एज पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म में मैक्सिमम टाइम हम ये भूल जाते हैं यहां पे मॉड जेड लगाना, मैक्सिमम टाइम ये गलती होती है कि ये मॉड जेड लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि इतने सारे हम सवाल प्रैक्टिस करेंगे ना और उसमें 70-80% सवालों में मॉड जेड की वैल्यू 1 रहेगी, 70% सवालों में मॉड जेड की वैल्यू जब 1 रहेगी तो हम क्या करेंगे, हमको लगेगा कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ही पोलर फॉर्म है, ये मॉड जेड लिखना हम भूल जाएंगे। इसलिए जब भी सवाल आएगा तो हमेशा ही मॉड जेड की वैल्यू 1 अगर आएगा तो भी ये लिखते चलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब इतना अगर हम लोग जान गए तो अब हम चीजों को आर्गुमेंट और मॉडुलस दोनों को यहां पे मिला दिया हमने, आर्गुमेंट और मॉडुलस को मिला दिया, आ रही बात समझ में? अब थोड़े से चीजों को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू पोलर फॉर्म। हमने क्या कहा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल मतलब माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में नजदीक वाला, जहां से रहेगा सबसे नजदीक वाला। जैसे पहला सवाल में दे रहा हूं 1 + i को पोलर फॉर्म में बदलो, दूसरा सवाल -1 + √3i को पोलर फॉर्म में बदलो। प्रिंसिपल में दिक्कत आ रहा है क्या सर? मान ली अगर इस तरफ से आएंगे क्या नीचे जाएंगे तो माइनस थीटा लेना है, माइनस पाई लेना है और माइनस थीटा लेना है, जैसे जो भी रहेगा प्लस लेना है। हाँ ये हो जाएगा आपका -1 - √3i। चौथा √3 - i। पांचवा 1 + i इंटू -1 - √3i। इन दोनों को आपको पोलर फॉर्म में, इन सबको पोलर फॉर्म में बदलना है। एक एक शुरू करते हैं बनाना, पहले आप बनाओ हम देख लेते। पहला 1 + i, अगर यही आपका जेड है तो मॉड जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = √2। इसका आर्गुमेंट आप जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सीधे सीधे आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 1/1, यानी ये वैल्यू हो गई π/4। तो आंसर हो जाएगा आपने आपका, हम इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा z = mod z cos θ + i sin θ। मैं थोड़ी देर तक ऐसे लिखूंगा, बाद में मैं sin थीटा लिखना चालू कर दूंगा, ये हो जाएगा √2। सिर्फ ये लिख देंगे cos π/4 + i sin π/4, सिर्फ इतना ही लिख देंगे, ठीक है? नहीं, वैल्यू नहीं लिखना है, पोलर फॉर्म में वैल्यू क्यों लिखेंगे भाई? क्यों लिखेंगे? आखिर वैल्यू लिख के वापस यही तो पहुंचोगे जी, वापस यही आ जाएगा वैल्यू लिख के, सिर्फ यही हो गया पोलर फॉर्म, इसी को कहेंगे पोलर फॉर्म। एग्जाम में तुम लोगों के बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का सवाल, ये हो गया पोलर फॉर्म। ट्वेल्थ नहीं 11th के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, मान लिया z = -1 + √3i, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से मॉड z = हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर, यानी मॉड जेड की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ से इसका इस सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट आप z = हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में π - tan inverse √3/-1, ये हो जाएगा π - tan inverse √3 की वैल्यू π/3 मतलब 2π/3। तो पोलर फॉर्म इसका हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगा आपका क्या, z = mod z cos θ + i sin θ, और इसको हम लिख दे रहे हैं 2 sis 2π/3, ठीक है ना? sis लिख दिया चलेगा।
सीधे अब इसके बाद में पांचवा सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, तीसरा और चौथा मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तीसरा चौथा छोड़ रहा हूँ, सीधे मैं पांचवे बात कर रहा हूँ, नहीं बिना एक्सप्रेशन खोले करूंगा मैं। यह है माइनस वाई माइनस रूट थ्री आई, बताओ इसका मॉड निकालना होगा तो हम मॉड की प्रॉपर्टी जानते हैं, ये अलग अलग हो जाएगा मॉड, ये हो जाएगा वन प्लस आई और ये हो जाएगा माइनस वन माइनस रूट थ्री आई, यानी ये रूट टू इंटू टू, आंसर हो गया टू रूट टू। आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना होगा तो इसकी भी प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग, आर्गुमेंट ऑफ, अरे अलग अलग हो जाएगा क्या ये, प्लस में आर्गुमेंट ऑफ माइनस वन माइनस रूट थ्री आई, बताओ इसका आर्गुमेंट तो पाई बाई फोर है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस रूट थ्री की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई थ्री, मतलब माइनस टू पाई बाई थ्री, ये हो गया पाई बाई फोर माइनस टू पाई बाई थ्री। अब आपका आया यहां से, ये आपका नीचे हो गया बारह और ये हो गया तीन में से आठ निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस फाइव पाई बाई थ्री पाई बाई ट्वेल्व आएगा क्या? अच्छा तो ये आर्गुमेंट मिल गया, ये मॉडुलस मिल गया, तो क्या इसका हम लिख सकते हैं क्या पोलर फॉर्म, ठीक है टू रूट टू सिक्स माइनस फाइव बाई फोर माइनस फाइव पाई बाई ट्वेल्व, सही है बस ये हो जाएगा।